Hey guys, welcome back to my channel again. And unit 4, the first topic from unit 4 is influence of external environment with both domestic and international on human resource management. Influence kya hote hain, hamare effect kya effect hai internal environment ke, hamare jo domestic aur international HRM pe padte hain. Domestic bhi kya padte hain, लेबर मार्केट कंडीशन, कि डोमेस्टिक की लेबर मार्केट कंडीशन किस तरह की है, वहाँ की लेबर किस तरह की है, उनकी पे स्ट्रक्चर क्या है, लेबर यूनियन कैसी है, किसके फेवर में वो अपना डिसीजन रखती है, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, टेक्नोलॉजी डोमेस्टिक लेवल पे कैसी है, पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिटिकल पार्टियाँ उनकी क्या क्या पॉलिसीज आती हैं HRM के अंदर, सोशियो कल्चर क्या है, मतलब कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं डोमेस्टिक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो हमारी HRM पॉलिसीज बनती हैं पे, और इंटरनेशनल, इट इज़ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में हमारी क्या क्या ऐसी इन्फ्लुएंसेस इफेक्ट आते हैं. पॉलिटिकल, सबसे पहले तो पॉलिटिकल इशू हर किसी में आता है, कल्चरल, सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे वो एक कल्चर भी बन जाता है. टेक्नोलॉजी एक हमारा इफेक्ट होता है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है किसी भी HRM में, वो जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट आता है हमारे HRM पे. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस इन HRM. तो ये दो होते हैं हमारे, डाउनसाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग. डाउनसाइजिंग क्या होता है, डाउनसाइजिंग इज स्ट्रेटेजी रिड्यूस द साइज एंड स्कोप ऑफ अ बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो डाउन जाता जा रहा है, तो डाउनसाइजिंग में हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज कम कर देते हैं, उसका स्कोप ऑफ द बिजनेस हम कम कर देते हैं, मतलब तरह से उसको कट ऑफ कर देते हैं कुछ पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का. और रीस्ट्रक्चरिंग में हम क्या करते हैं, इट रेफर्स टू रीडिजाइनिंग द वर्क फ्रॉम द एम्प्लॉयज टू अनदर और रीऑर्डरिंग द सिस्टम दैट रन्स द ऑर्गेनाइजेशन. हम रीस्ट्रक्चर करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़, हम जिस मैनर में कर रहे थे उसको हम चेंज करके किसी और डिज़ाइन से, किसी और तरीके से उसको करते हैं. कुछ टाइप्स होते हैं इन दोनों के, जो इन दोनों में ही इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा वर्कफोर्स रिडक्शन. वर्कफोर्स रिडक्शन क्या कहता है, इसमें हम वर्कफोर्स रिडक्शन कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको, अगर हम डाउनसाइजिंग की बात करें तो उनको हम निकाल देते हैं ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी, या फिर हम दूसरे जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात करें तो हम VRS स्कीम लॉन्च कर देते हैं, जो हमारा वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है. ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमें रीस्ट्रक्चरिंग और डाउनसाइजिंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी हो, वो हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं. नेक्स्ट टाइप आता है हमारा वर्क रीडिज़ाइन. वर्क डिज़ाइन में हम डिज़ाइन करते हैं हमारा जो वर्क प्रोसेस करने का तरीका है दोनों में ही, और प्रोडक्ट को या तो हम उसको चेंज कर देते हैं, रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, या फिर हम उसको हटा देते हैं. नेक्स्ट टाइप आता है हमारा सिस्टमैटिक चेंज, जिसमें हम अपने कल्चर में चेंज लेके आते हैं, गोल्स को चेंज कर देते हैं, या फिर एम्प्लॉय की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं. उसके बाद क्या रीजंस हैं जो हमें ये रीस्ट्रक्चरिंग और डाउनसाइजिंग करना होता है, या तो हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है, या इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से कोई हमें प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से हम डाउनसाइजिंग या रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, या हमें अपनी कोई नीड टू रिड्यूस ऑपरेटिंग कॉस्ट या डिक्रीज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की लेवल में कोई डिक्रीजिंग आ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, तो इस वजह से, या फिर गेट रिड ऑफ एम्प्लॉय डेडवुड. एम्प्लॉय डेडवुड होता है हमारा जो यूज़फुल चीज़ें नहीं होती, तो गेट रिड ऑफ एम्प्लॉयज़ डेडवुड, मतलब कि जो यूज़फुल एम्प्लॉयज़ नहीं है उनसे गेट ओवर करने के लिए हम ये सब करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मर्जर. मर्जर क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंपनीज कंबाइन इनटू वन कंपनी, मे बी एग्जिस्टिंग और फॉर्म अ न्यू कंपनी. या तो मर्जर होता है दो कंपनीज के बीच में, या तो वो दोनों कंबाइन हो जाती हैं, या फिर वो पर्टिकुलर कंबाइन होके एक ही पर्टिकुलर कंपनी बन जाती है. जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं मारुति सुजुकी. क्या वेज होते हैं इसके, एब्जॉर्प्शन और कॉन्सिलिटेशन. एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं, हम एक एग्जिस्टिंग कंपनी में जाते हैं और उसको, मतलब कि जैसे कि हमारा मारुति सुजुकी का एक पूरा बन गया, ये तो हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन. और कॉन्सिलिटेशन में क्या करते हैं, हम एक मारुति सुजुकी में तो हमने उसमें दोनों का नाम ज्वाइन किया था, कॉन्सिलिटेशन में क्या करते हैं, हम एक न्यू ही कंपनी बना देते हैं, जैसे कि हम किसी और मारुति सुजुकी की जगह किसी कोई और कंपनी का नाम उसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, मतलब कि अपनी कंपनी का नाम ही चेंज कर देते हैं. टाइप्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल में हम अपने कॉम्पिटिटर के साथ मर्ज हो जाते हैं. वर्टिकल में हम अपने सप्लायर्स के साथ मर्ज हो जाते हैं, जैसे कि हम वुड बना रहे हैं या फिर हम टेबल बना रहे हैं, तो हम वुड वाले के साथ, जो हमारा सप्लायर है उसके साथ मर्ज हो जाते हैं. मार्केट एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, हम एक न्यू मार्केट सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं. प्रोडक्ट एक्सटेंशन में हम नया प्रोडक्ट, एक रिलेटेड नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं. कॉन्ग्लोमेरेशन में हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपना एक प्रोडक्ट तो लॉन्च करते हैं लेकिन उसका कोई रिलेशन हमारे पुराने प्रोडक्ट से नहीं होता.
कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस होता है इसमें, इंक्रीज इन प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रिडक्शन इन फाइनेंशियल रिस्क एंड लार्ज मार्केट कवर, बहुत सारे मार्केट को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब दो कंपनी मर्ज होती है तो जो दोनों कंपनी की मार्केट ही आपस में ज्वाइन हो जाती है। अब आता है हमारा एक्वाइजेशन। एक्वाइजेशन क्या कहता है, इट मे बी एक्ट ऑफ एक्वायरिंग इफेक्टिव कंट्रोल बाय वन कंपनी ओवर असेट और मैनेजमेंट ऑफ अनदर कंपनी विदाउट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज। इसमें हम अक्वायर कर लेते हैं किसी अदर कंपनी को, क्या टाइप होता है, या तो फ्रेंडली टेक ओवर कर लेते हैं या हम हॉस्टाइल कर लेते हैं। फ्रेंडली टेक ओवर में हम डायरेक्टली उनको प्रपोजल देते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अग्री कर जाते हैं हमारे प्रपोजल से। और हॉस्टाइल में क्या करते हैं, हॉस्टाइल में वो रजिस्ट करते हैं। तो हॉस्टल में क्या प्रोसेस आता है, जब हॉस्टल में वो लोग रजिस्ट करते हैं तो या तो शेयर बाइंग, या तो हम उनके शेयर बाय कर लेते हैं, क्योंकि शेयर्स पर्टिकुलरली उनके पास तो होते ही नहीं है, और कुछ शेयर हम उनके बाहर भी होते हैं, तो अगर 51% शेयर उनके पास आ जाता है जो अक्वायर करना चाहता है टारगेट कंपनी को, तो वो उसको कंपनी को अक्वायर कर सकता है, या फिर कंपनी की मोर लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं तो भी एक तरह से हम उनको अक्वायर कर सकते हैं, या फिर बायर बाय असेट्स, या फिर उनके असेट्स को अगर हम बाय कर लेते हैं, मतलब कि एक तरह से उनके एम्प्लॉयज़ को हम टारगेट करने लग जाते हैं और उनको अपने पास अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, तो इसके थ्रू भी हम उनको अक्वायर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या कहता है, इट रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क आउट टू अ थर्ड पार्टी। आउटसोर्सिंग में हम खुद तो काम करते हैं लेकिन हम किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि वो हमारा काम करेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम रोड्स जो बनवाते हैं हम, तो गवर्नमेंट क्या करती है, थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि तुम रोड बनवाओगे, तो ये होता है आउटसोर्सिंग करना। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, कॉस्ट सेविंग करती है, स्पेशलाइजेशन वर्क हमें मिलता है, मोर सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन होती है, एक्सपेंड सर्विस कर सकते हैं हम अपनी। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लैक ऑफ कस्टमर फोकस, कस्टमर पे फोकस कम होता है क्योंकि उसकी वो टारगेट मार्केट नहीं होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर काम ही कर रहा होता है, तो उसको कस्टमर से फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर की नीड क्या है। क्वालिटी प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसको ये लगता है कि वो उसको सिर्फ अपना काम ख़त्म करना है, तो उसको क्वालिटी से कोई मैटर नहीं होता। थ्रेट टू कॉन्फिडेंटल सिक्योरिटीज़, कॉन्फिडेंटल सिक्योरिटीज़ में थ्रेट आने लगता है, हमें डर लगता है कि कहीं हमारी कॉन्फिडेंटल बातें लीक ना हो जाए। लॉस ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल में हमें लॉस हो जाता है क्योंकि एक तरह से हम किसी थर्ड पार्टी को अपनी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व कर लेते हैं और उस पर हमारा कोई राइट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑफशोरिंग। ऑफशोरिंग क्या कहता है, इट ट्रेवल्स टू ऑब्टेनिंग सर्विसेज और प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। सपोज हमारी कंट्री में हमारा प्लांट है और हमारा सपोज हमारा कार का हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और जो हमारा एसी है वो अगर हम अपनी कंट्री में बनाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, या फिर हमें एम्प्लॉय स्किल नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं किसी और कंट्री में जाते हैं जहाँ पर हमें स्किल्ड एम्प्लॉय भी मिल रही है और सस्ते में हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम वहाँ पे अपना एक छोटा सा प्लांट ओपन करते हैं और वहाँ पे वो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके, लोअर लेबर कॉस्ट होती है, सेविंग कॉस्ट सेविंग होती है, टैक्स बेनिफिट होते हैं, अवेलेबल ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं, और 24/7 वर्क होता है जो हमारी शिफ्ट में होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, कल्चर प्रॉब्लम होती है, टाइम जोन अलग अलग होता है, इफेक्ट ऑन जॉब इन होम कंट्री में जॉब पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस स्ट्रैटेजी लिंक्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्या कहता है, सक्सेसफुल बिजनेस मैनेजर रियलाइज द इम्पॉर्टेंस बाय ऑफ वेल ट्रेन्ड एंड मोटिवेशनल एम्प्लॉय टू अचीव द कंपनी गोल। अगर हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को हमारे कंपनी के गोल को अचीव करने में ईजी होगा। किस तरह से होती है ये, हमारी जब हमारी कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़ अच्छी हो, डेमोग्राफिक सोशल ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एजुकेटिंग, HRM का मेन फोकस हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करने में, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्यूशंस, न्यू स्ट्रैटेजी और सॉल्यूशन को डेवलप करने में हेल्प करे, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने में वो हेल्प करे। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 4th एंड आई लेफ्ट वन टॉपिक विच आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।